एचएल टीवी न्यूज। आज करनाल में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मोदी की बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और बीजेपी पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को व राहुल गांधी को हेराल्ड केस में झूठा फंसाना चाहती है। जिस केस में पिछली सरकार ने क्लीन चिट दे दी थी, उस केस में दोबारा बीजेपी सरकार बदनाम करने की मंशा से उस केस को उछाल रही है, जिसके विरोध में आज करनाल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं में रोष है और मोदी सरकार का घंटा घर चौक पर पुतला फूंका गया। हेराल्ड पे जो भारतीय जनता पार्टी की छोटी मानसिकता की बात है और जो एक द्वेषपूर्ण कार्य ये लोग सरकार में बैठ के कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसे कार्यों को और कभी नहीं ध्यान दिया जब वो सत्ता में थे, और जब तक भी भारतीय जनता पार्टी की आई है तब से ये पहले दिन से ही दूसरे जो पार्टी के लोग हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं नकारात्मक रवैया अपनाते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये अपना जो ये अपना पूरा एक राज चलाना चाहते हैं, जिनको ये नहीं है कि बिल्कुल भी ये किसी यहाँ पे जनमानस की जो भावनाएं हैं उनकी भावनाएं कांग्रेस के साथ हैं, और ये इस बात को साबित हो चुके हैं जो पिछले चुनाव हुए हैं, और उन चुनाव की हताशा से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे जिनमें कांग्रेस पार्टी का कहीं से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, और जो जिन पे क्लीन चिट थी उन मुद्दों को उठाकर उन अधिकारियों के तबादले करके बकायदा किसी अपनी मानसिकता के तहत उन अधिकारियों को बदला गया, और उसमें फिर नेशनल हेराल्ड का जो मामला था उसके अंदर माननीय श्री सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को फंसा करके उनको कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर कर रहे हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी के लोग बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। अगर हमारे नेताओं के साथ कहीं भी उनकी उनके सम्मान में कहीं भी कोई ऐसी बात हुई तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे हरियाणा में पूरे उसको भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया जाएगा, एजिटेशन किए जाएंगे, प्रदर्शन किए जाएंगे, और सरकार के खिलाफ जितनी भी बातें होंगी हम सारी जनता के बीच में लेके जाएंगे। आज हमने नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंक के अपना रोष प्रदर्शन किया है, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के जो मद में चूर होकर सत्ता के मद में चूर होकर ये लोग राज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके उनके कान तक ये बात जा सके और इस बात पे वो विचार कर सके। करनाल से हलचल टीवी के लिए KCRA की रिपोर्ट।